टेंडर और निविदत मत के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा, जिसके संबंध में प्रावधान यह है कि अगर कोई मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा बताया जाता है कि आपका मतदान पहले से हो चुका है, तो वह व्यक्ति जो है ईवीएम के माध्यम से मतदान नहीं करेगा और मतदान अधिकारी इस प्रकरण को पीठासीन अधिकारी को सौंप देगा, जिसके संबंध में प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी वह टेंडर वोट से संबंधित प्रक्रिया का पालन करेगा, जिसके संबंध में प्रावधान यह है कि वह व्यक्ति, जैसा मैंने बताया कि वह ईवीएम के माध्यम से मतदान नहीं करेगा वह मतदाता, क्योंकि उसका मतदान उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति मतदान करके चला गया है, तो यह प्रक्रिया यह है कि वह जो है उस व्यक्ति की 17 ख में उसकी एंट्री की जाएगी। एंट्री के संबंध में जो प्रक्रिया है कि वह उस मतदाता का नाम लिखा जाएगा, जैसे मोहनलाल, तो मोहनलाल लिखा जाएगा और उसका क्रमांक, जैसे मान लीजिए उसका क्रमांक 170 है तो 170 लिखा जाएगा और वह मतदाता जो है यहाँ आकर के मोहनलाल के नाम से अपना सिग्नेचर करेगा और उसके बाद उसे टेंडर रोड से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत उसे बैलेट दिया जाएगा। वह बैलेट को लेकर जाएगा गोपनीय कक्ष में, उसके बाद वह मतदान करेगा और उस मतदान करने के बाद पीठासीन को आकर फोल्ड करके उसको देगा। पीठासीन अधिकारी उसको एक लिफाफे में रखेंगे। इसके संबंध में आपको और बताना चाहेंगे कि क्योंकि पहले से जब सामग्री दिया जाता है तो 20 टेरो दिया जाता है उस टीम को, तो वह उसको जो है एक प्रक्रिया के पालन के तहत उसको ये जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद उस लिफाफे में उसको रखा जाएगा। तो यह प्रक्रिया के संबंध में है जो आपको प्रदान की गई।